हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की जो हमारी लुक है वो है एक्स्ट्रा ग्लैम लुक। तो ऑफ कोर्स ये थोड़ी सी हैवी होने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी आईज़ को हुदा ब्यूटी के कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लिया ताकि जो हमारे आई शेडर्स है वो अच्छे से पॉप हो सकें। और उसके बाद मैंने आज टेप लगाई है, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, इससे जो हमारे आई शेडोस है वो फैलते नहीं हैं और जो हमारी आईज है उसे एक अच्छा लुक भी मिलता है। और उसके बाद मैंने एक मेट कलर लेके अपनी क्रीज को डिफाइन कर लिया है। क्रीज को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे आई शेडो का कुछ पता ही नहीं लगता कि कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ से ख़त्म। तो उसके बाद मैंने एक ब्राउन कलर लिया है और मैंने अपनी पूरी आईलिड पे, क्रीज पे ब्राउन कलर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया। और उसके बाद मैंने एक और ब्रश की मदद से ग्रीन कलर लिया है। अच्छा, एक्स्ट्रा ग्लैम जो लुक होता है ना, उसमें आप कोई सा भी जो आपकी ड्रेस के साथ मैच होता है आप वो वाला कलर अपनी आईज पे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी ड्रेस का कलर ग्रीनिश टाइप था, तो मैंने एक ग्रीन कलर लेके अपनी आईज पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। मैं इसे थोड़ा सा और अपनी आईज पे लगाऊंगी क्योंकि वो बहुत ही कम लग रहा था। तो उसके बाद अब मैंने उसको अच्छे से बिल्कुल ब्लेंड कर लिया है और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बिल्कुल ब्लैक और ब्राउन कलर लेके अपनी पूरी आईज पे इसी कलर के साथ मिक्स कर लिया है। और ये अभी बहुत हैवी लग रहे हैं, लेकिन हम इस पर जब ग्लिटर लगाएंगे और पूरी लुक जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद इसका लुक बहुत प्यारा आया है। तो अब मैं अच्छे से अपनी कलर्स को ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई हार्श लाइन ना आए और हमारी जो आई शेडोस है वो नीट नज़र आए। और इसके बाद मैंने लिक्विड ग्लिटर अप्लाई कर लिया। ये लोकल ब्रांड की ही है, मैंने न्यू लिया था तो सोचा इसी वीडियो में आज इसी का ही लुक बना लेते हैं। और इसे मैंने अपनी पूरी आईलिड पर अच्छे से अप्लाई कर लिया। और इसके साथ जो ब्रश आता है आपने उसी ही अप्लाई करना है, फिंगर से बिल्कुल अप्लाई नहीं करना, वरना वो बिल्कुल भी सही नहीं लगता, मैंने ट्राई करके देखा है। और इसे मैं अच्छे से अपनी आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी। आजकल जो ट्रेंड में है वो है ग्लिटरी आईज़, स्मोक्ड आउट आईज़। इसमें लोग ज़्यादातर देखना प्रेफर करते हैं, ये लुक करना प्रेफर करते हैं क्योंकि पिंक कलर में स्मोकी आईज़, रेड कलर में स्मोकी आईज़, हर कलर में आज के स्मोक्ड आउट ही लुक चल रहा है। तो मैं उसी हिसाब से ही बना रही हूँ वीडियोस। आई होप आपको पसंद आ रही हो। और अब मैं टेप को रिमूव कर दूंगी और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इसके बाद मैं अपनी आईब्रो सेट कर लूँगी। सबसे पहले मैंने अपनी आईब्रोज को स्पूली से सेट किया है और उसके बाद मैंने एक आईब्रो पाउडर लिया है, इसके जो नाम है वो बहुत ही मुश्किल है, मैं नीचे मैंशन कर दूँगी। मैं जब लेने गई थी उन्होंने बोला था मैम ले लें ले लें, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन जब ले आई तो मुझे उसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि ये क्या है, ड्राई है क्या, कुछ भी नहीं, बस मैंने लगा लिया। इससे बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, मैंने सोचा कि हर बार मैं स्पूली से सेट करती हूँ अपने आईब्रोज को, कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए और मेरे पैसे ज़ाया हो गए ये लेके। खैर कोई नहीं, होता है चलता है। और उसके बाद मैं लगाऊंगी आईलाइनर, और मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ सिंपल सी एक लाइन बना लूँगी, लेकिन जब मैं आईलाइनर लगाने लगती हूँ तो मुझसे पता नहीं क्या होता है, मैं विंक बन ही जाता है, तो मैंने छोटा सा विंक भी बना लिया। और ये मैं पता नहीं इतना क्यों करीब आके आईलाइनर लगा रही हूँ, अजीब सी शक्ल बना के, आप लोग डरिएगा मत। और अच्छा, मेरा जो फेस है ना रियल में वो इतना अजीब सा नहीं है जितना वीडियोज़ में आता है, पता नहीं क्यों। आप लोग मुझे रियल में देखेंगे ना बोलेंगे ये तो जो वीडियोस में आती है वैसी है ही नहीं। खैर कोई नहीं, इसके बाद मैं यहाँ पे अब करूँगी मस्कारा अप्लाई, और ऑफ कोर्स बॉब का मस्कारा या मेबलिन का मस्कारा, मेरे ऑल टाइम फेवरेट। और इसके बाद अब हम आ जाएंगे बेस पे, और मैंने सबसे पहले अपने फेस को प्राइम किया है। अच्छा, मैंने जो मॉइस्चराइज़र है वो पहले ही लगा लिया था, फेस को प्राइम कर लिया है अच्छे से मेबलिन के बेबी स्किन प्राइमर से। और उसके बाद मैं यहाँ पर हुदा ब्यूटी की लाइट कवरेज, मैं इसे एज अ कलर करेक्टर, एज अ कंसीलर जो मेरे डार्क मार्क होते हैं उसे हाइड करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ये थोड़ा सा लाइट है मेरी स्किन से, लेकिन इस पर जब फाउंडेशन लगती है तो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। तो जहाँ जहाँ मुझे डार्क मार्क है मैं वहाँ पे इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, जहाँ जहाँ मुझे कवरेज चाहिए। और मैं इसे अपने डार्क मार्क पर लगा के अपनी फिंगर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा, इसके बाद मैंने हुदा ब्यूटी की बीबी क्रीम लगाई थी, मैंने हाई कवरेज फाउंडेशन यूज़ नहीं की थी। और वो जो क्लिप है जिस पे मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे बीबी क्रीम, वो पता नहीं कहाँ चली गई है, मैंने सेव भी की थी लेकिन जब मैं एडिट करने बैठी तो वो मुझे क्लिप नहीं मिली, तो बहुत 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 ज़्यादा सॉरी उसके लिए। मुझे छोटी सी उसकी क्लिप मिली तो मैंने वो ऐड कर ली और मैंने इसे अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लिया। थोड़ी सी मैंने बीबी क्रीम लगाई क्योंकि मैं इसके ऊपर अपने मिस रोज़ का कंसीलर भी लगाने वाली हूँ, मतलब कि अपने फेस को हाईलाइट भी करने वाली थी इसलिए। और मैंने इसे पता नहीं एक टेक्निक मैंने देखी थी कल के, जहाँ पर हम कॉन्टोरिंग करते हैं पे भी एक लाइन बनानी चाहिए कंसीलर से, तो मैंने वो ट्राई करके देखा कि उससे फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता।
उसके बाद मैंने एक ब्रश की मदद से इसे ब्लेंड कर लिया है। कभी ब्रश कभी फिंगर जो जिस पे मेरा मूड होता है मैं वैसे ब्लेंड कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने फेस को सेट कर लिया था। थोड़ा सा ही पाउडर लगाया है मैंने, ज़्यादा पाउडर नहीं लगाया। मेरा फेस बहुत वाइट लग रहा था तो मैंने अपने फेस को एक ब्रॉन्ज़ लुक देने के लिए फेस कॉन्टोरिंग की है। और मैं यहाँ पर क्रिस्टाइन की कॉन्टोर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, कॉन्टोरिंग बहुत ज़रूरी होती है। पहले मैं भी इतनी कॉन्टोरिंग नहीं करती थी, लेकिन जब मुझे मेकअप की नॉलेज हुई तो मुझे पता चला कि एक ब्रॉन्ज़ी लुक आपको अपने फेस पे देना होता है, क्योंकि फाउंडेशन कंसीलर लगा के हमारा फेस बहुत ही वाइट लगता है। ब्रश के लिए मैंने यहाँ पे 5 कलर पैलेट में से पिंक और पीच कलर को मिक्स करके लगाया है। अच्छा, मैं ब्लश हमेशा ऊपर की तरफ लगाती हूँ ताकि जो हमारा फेस है उसे एक शेप मिले। आपको सिर्फ अपने चीक्स पे ही अप्लाई नहीं करना। और अब मैं जे डॉट के हाइलाइटर से अपनी आईब्रोज, नोज और चीक्स को हाईलाइट कर लूँगी। अब बारी आती है लिपस्टिक की, और लिपस्टिक के लिए मैं बहुत ही प्यारा सा शेड है हुदा ब्यूटी का, न्यू शेड ही ये अप्लाई करूँगी। पहले मैं अपने लिप्स को शेप दे रही हूँ। लिप्स को शेप देना बहुत लाजमी होता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे मिस रोज़ की रेड मेट लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। शेड है रेडी लश, बहुत ही प्यारा सा शेड है इसका। इसे मैं अपनी लिप्स पे थोड़ा सा ही लगाऊंगी और इसे फिंगर से ब्लेंड कर लूँगी। और हमारी आज की लुक भी हो गई है कंप्लीट। बहुत ही सिंपल, इजी और बेसिक स्टेप हैं जो हर मेकअप में होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं। बाय, अल्लाह हाफिज़।